नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया, एक नहीं दो नोटिस जारी किए हैं और छात्रों को बहुत ही बेसब्री से इन नोटिस का इंतजार था। अब दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि चयन बोर्ड ने क्या नोटिस जारी की है और किस तरह से छात्रों को खुशखबरी मिली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कई प्रकार की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं जिसमें टीजीटी और पीजीटी की क्लास प्रमुखता से चलाई जाती है। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड के भी कई विषयों की क्लास यहाँ पे चलाई जाती है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप 8239226960 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, टीजीटी 2016 में बहुत से छात्र ऐसे थे जिनका सिलेक्शन तो हुआ था लेकिन जब वो कॉलेज आवंटित कॉलेज पे गए ज्वाइन करने के लिए तो उनको बोला गया कि यहाँ पे आपके लिए कोई पद नहीं है, तो वो छात्र अभी तक इधर उधर भटक रहे थे। इस बीच में 2021 का भी नोटिफिकेशन आया और 2021 के छात्रों को भी नौकरी मिल गई। अपने बैच से पीछे हो गए, उसके साथ साथ 2021 के छात्रों से भी पीछे हो गए, तो वो काफ़ी दिन से परेशान थे और अब चयन बोर्ड ने उनको ज्वाइनिंग देने का फैसला कर लिया है। समायोजन लिस्ट जारी कर दी गई है और जिन छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी उनको नई संस्था अलाट कर दी गई है। तो इस प्रकार की दो लिस्ट जारी की गई हैं। ये पहली लिस्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि ये कैंडिडेट हैं प्रदीप कुमार सिंह, इनको जो है जनता इंटरमीडिएट कॉलेज मवई अमेठी में पहले मिला था और अब इनको गांधी इंटर कॉलेज कोरारी और अमेठी में ही मिला है इनको। तो एक इनका कॉलेज चेंज हो गया है। अब इसी तरह से सभी लोगों की लिस्ट यहाँ पे है और सबके कॉलेज चेंज हो गए हैं। तो दो लिस्ट है, ये 23 लोगों की लिस्ट है और एक और लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। तो ये दोनों लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लें जिससे आपको ये लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं, यह 266 लोगों की लिस्ट है और काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसमें यहाँ पे एक एक लोगों का नाम बता पाना तो मुश्किल है, इसलिए इसको टेलीग्राम पे ही आप लोग देख लीजिए या फिर चयन बोर्ड की वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे ये नोटिस जारी की गई है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।